दोस्तों देखिए, भारतीय टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे जब चाह टीम में लेके चले आए, जब चाह टीम से निकाल दिए हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूं संजू सैमसन का। या संजू सैमसन की आखिर गलती क्या है? ये संजू सैमसन के साथ जो चीजें घटित हो रही है आखिर कब तक होती रहेगी? आखिर इसका इंसाफ कब होगा? ये जो चीजें चल रही संजू सैमसन के अगेंस्ट, ये आखिर में क्यों चले? आखिर संजू सैमसन की गलती क्या है? क्या संजू सैमसन के अंदर टैलेंट नहीं है? क्या संजू सैमसन छक्के नहीं मार सकता, चौके नहीं मार सकता, सिंगल नहीं भाग सकता, डबल सिंगल भाग सकता? आखिर ऐसा कौन सी चीज है संजू सैमसन को हर कोई बाहर निकालने का प्रयास करता है? इसी पर आप लोग से बात करेंगे। आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा चैनल स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब एशिया कप का स्क्वाड आया वहां पे संजू सैमसन का नाम था केएल राहुल के बैकअप के रूप में। अब जब केएल राहुल फिट हो गए, इंडियन टीम को ज्वाइन कर लिया, तो संजू सैमसन को वापस भारत भेज दिया गया है, उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया है। बताइए, ओडीआई में सब अच्छा रन बनाया संजू सैमसन ने, बहुत अच्छा रन बनाया संजू सैमसन ने, उसके बाद किस वजह से आपने संजू सैमसन को बाहर निकाल दिया? और एक सूर्य कुमार यादव ओडीआई में क्या क्या, टी20 में तो धमाल मचा दिया। टी20 की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं 50 ओवर के ओडीआई की। और सूर्य कुमार यादव ने कौन सा चीज तीर मार दिया, कौन सी चीज उखाड़ लिया कि आपने सूर्य कुमार यादव को स्टे किया हुआ रखा हुआ आपने संजू सैमसन को बाहर कर दिया? क्या संजू सैमसन आपको याद होगा 2022 में जब सीए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेलने गई थी, यहां पे साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम आई थी, उसके खिलाफ शानदार बल्लेबाजी किया था संजू सैमसन ने। 2021 से भारतीय टीम के साथ चल रहे हैं संजू सैमसन ओडीआई में, उसके बावजूद भी उन्हें मौका नहीं मिला, उसके बाद भी वो को मौका नहीं मिला। और 100 के प्लस की स्ट्राइक रेट, 50 के ऊपर से उनका एवरेज है ओडीआई में। आपको याद होगा वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में शानदार 50 भी लगाया था, उसके बावजूद आप उन्हें क्यों नहीं मौका देते, इस समझ से बाहर है। एक मौके में आप फेल हो जाते, संजू सैमसन एक मौके के लिए फेल हो जाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया तबाही मच जाती है, या संजू सैमसन तो बेकार प्लेयर है, अपना विकेट फेंक के चला जाता है, कुछ करता नहीं है, चौके छक्के मारता नहीं है, ये तमाम प्रकार की बातें निकल सामने आती है। या किस बार की बातें हो रही है, उसी टीम में ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जो रन नहीं बनाते फिर भी टीम में उनको बैक करती है। यार आखिर में क्या कि क्या रोहित शर्मा के पसंदीदा खिलाड़ी नहीं है संजू सैमसन? क्या रोहित शर्मा या कोच राहुल द्रविड़ को नहीं लगता कि संजू सैमसन में कुछ पोटेंशियल अवेलेबल है? सबसे बड़ी बात है कि संजू सैमसन केरला से बिलोंग करते हैं और उनके जो फैंस है, फैंस की फैंस फॉलोइंग जो है, जो उनके फैंस जो उनको एडमायर करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, चाहते हैं, वो कितने रॉयल हैं, कितने रॉयल हैं कि यार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में संजू सैमसन का साथ नहीं देते। और यार कोई और बंदा होता तो निकालने के बाद जाके ट्विटर पे एक पोस्ट करता है, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन संजू सैमसन ऐसा कोई पोस्ट भी नहीं करता, बंदा अपनी बात बोलता भी नहीं है। और इतना मतलब कि क्या संजू सैमसन के पीछे कोई बैकअप नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई पीठ पे थपथपाने वाला नहीं है? यार नहीं, मैं हूं, इसको सपोर्ट करूंगा, इसको टीम में लेके आऊंगा, जैसे और खिलाड़ियों के लिए है। क्या संजू सैमसन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? सोशल मीडिया हो गया है तो मीडिया क्या बात करे? यार मैं कहता हूं 2-3 सीरीज कम से कम संजू सैमसन को चाहिए। आखिर में जो कप्तान बने उन्हें भी महेंद्र सिंह धोनी ने काफी बैक किया है उनको, ऐसे नहीं रोहित शर्मा बन गए, उनको काफी बैकिंग मिली है, तो आखिर में संजू सैमसन को बैकिंग क्यों नहीं मिल रही है? यार अच्छा खासा विकेट कीपर है, फील्डिंग बहुत जबरदस्त करता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, आप चाहे ओपनिंग करा लिए, चाहे थर्ड ओवर भेज दिए, चाहे नीचे आके बैटिंग करा लिए, बहुत अच्छा एवरेज है और स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है संजू सैमसन की। किसी भी मोड़ पे आके मैच को बदलने की क्षमता संजू सैमसन में अवेलेबल है। सभी खिलाड़ी मैं देखता मौका मिलता है कि संजू सैमसन को उस प्रकार का मौका नहीं मिलता जिस तरह से मौका मिलना चाहिए। यह क्या मैं कहूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय टीम के लिए, या संजू सैमसन का दुर्भाग्य अलग है कि जिस तरह चीजें घटित हो रही है। देखिए मैं संजू सैमसन लिए बहुत पसंद करता हूं पर्सनल, क्योंकि इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि आप पसंद करता हूं इसलिए उनके खिलाफ उनके लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं पसंद करता हूं उनकी बैटिंग से एडमायर करता हूं, जिस तरह से बैटिंग करते हैं उसको एडमायर करता हूं, बेखौफ खेलते हैं, फेयरलेस खेलते हैं, कोई टेंशन फिक्र लेकर नहीं खेलते हैं, तो यह चीज थोड़ा समझने वाली बात है। उसी टीम में सूर्य कुमार यादव जहां रन नहीं बनाया ओडीआई में, बिल्कुल नहीं चले, उसके बावजूद भी उन्हें टीम में रखा, क्या संजू सैमसन को नहीं रखा जा सकता? ये बड़ा एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो आज का जवाब कौन देगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब, मैच को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इस वीडियो में, बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।